आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10 मैथ्स की, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अभी भी जो बचे हुए डेज हैं उनमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अच्छे मार्क्स से मेरा मतलब है 90+। और 90+ मार्क्स के लिए जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पूरे साल बहुत मेहनत से पढ़ा हुआ है, वो तो नो डाउट अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे ही। मेरा फोकस उन स्टूडेंट्स पर भी है जिन्होंने पूरे साल हल्का फुल्का कभी कभार एक आध बुक का चैप्टर देखा है, थोड़ा बहुत चैप्टर्स के थ्रू गए हैं, पढ़ा है। अब अगर उनको भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, जो कि सभी बच्चों का मन है, हर बच्चा यही चाहता है कि मेरे अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, तो उनके लिए मैंने एक प्लान तैयार किया है। आप उस प्लान के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर अभी भी स्टडी करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से हमें पढ़ना है। फर्स्ट मैंने कुछ चैप्टर्स अलग किए हुए हैं, अगर आप इन चैप्टर्स को देखते हैं तो इनमें सबसे फर्स्ट टॉपिक में मैंने लिखा हुआ है रियल नंबर। रियल नंबर का जो वेटेज है वो है 6 मार्क्स का, और बड़े ही इजी से क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और आपका जो मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से मिलना ही मिलना होता है, जहाँ पर आपको एक नंबर दिया जाता है और आपको बोला जाता है इरेशनल नंबर को प्रूफ कर दीजिए कि वो नंबर एक इरेशनल नंबर है। मेथड है, फिक्स्ड है, वो आपको किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से डील करना है, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा, उसमें आप उनको देखेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको उस प्लान के बारे में चैप्टर्स को बता रहा हूँ जिसमें आपको अभी फोकस करना है। उसके बाद सेकंड पे आता है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी क्लास 10th में फिक्स्ड फार्मूला, एक फार्मूला फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। और क्लास 10th में अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस जो मिलते हैं वो पॉइंट पे मिलता है, कार्ड्स पे मिलता है, टाई पे मिलता है। अगर ये तीन केस आपने अच्छी तरह से कर रखे हैं तो इसके मार्क्स फुल मार्क्स प्रोबेबिलिटी के आपको मिलने ही मिलने हैं। देन स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पर फिक्स फॉर्मूला आपका अगेन मीन मोड मीडियन आपसे ये पूछा जा सकता है, या फिर आपसे वो ओजिव चार्ट के बारे में बोल सकता है कि आप ओजिव चार्ट ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पर भी आपको फिक्स फॉर्मूला है, डेटा दिया गया है, कंटिन्यूस फॉर्म में है, क्लास इंटरवल की फॉर्म में है, ग्रुप फॉर्म में है, आपको फॉर्मूला लर्न है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ फॉर्मूला में डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। फोर्थ चैप्टर है आपका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए हर बच्चा करता है इसको। अब यहाँ पर फुल मार्क्स मिलते भी हैं, लेकिन जो मिस्टेक्स हैं या नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट क्या सोचता है कि ये तो इजीली है, आराम से कर लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस एक बार इसको घर में करिए। और यहाँ पर जब आप इसके क्वेश्चंस को करें तो क्वेश्चन करते टाइम पे जो आपको एक बात ध्यान रखनी है वो एक बात है कि आप इसे स्टेप्स जो है आपने जो भी स्टेप्स फॉलो किए हैं उस फिगर को ड्रॉ करते टाइम पर उन स्टेप्स को नंबर वाइज लिखिए। और ये चार चैप्टर अगर आप कवर करते हैं तो ये चार चैप्टर कवर करते करते आपके 21 मार्क्स आ चुके हैं। बहुत आराम से आपने 21 मार्क्स स्कोर किए, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी, कुछ नहीं, बस आराम से थोड़ा सा एक बार इन चारों चैप्टर्स के पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए इनके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरह से करना है। देन इसके बाद अगर आप ये चार चैप्टर कर चुके हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास चैप्टर आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इन चार चैप्टर्स के बाद आपको जो चैप्टर देखना है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। यहाँ पर एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सर्फेस एरिया और वॉल्यूम, ये दोनों चैप्टर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड है। इनमें आपको फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मूला लर्न है। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो आपको एरिया का फॉर्मूला पता है, कर्व सरफेस एरिया पता है, वॉल्यूम पता है, मेजर सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला पता है, माइनर सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला पता है, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट इनके फॉर्मूला पता है। तो आपको करना क्या है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करने के बाद आपको इसको सॉल्व करके स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, कैलकुलेशन सही होना मस्ट है, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, वो तो हर बच्चा कर सकता है। ठीक, ये 11 टोटल मार्क्स आपके हुए 32 मार्क्स। अब ये 32 मार्क्स होने के बाद आपको जब आगे बढ़ना है इन चैप्टर्स को, इन 6 चैप्टर्स को कवर करने के बाद, अब आप नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जैसा आप जानते हो क्लास 10th में फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, इससे पहले ये नहीं था, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है। हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ना है, उनको याद करना है, उनके पर्टिकुलर एंगल्स दिए गए हैं, उन एंगल्स पर उनकी वैल्यू हमें लर्न करनी है। वो वैल्यू अगर लर्न है तो आपको इनके ऊपर क्वेश्चंस मिलता है, या फिर आपके यहाँ जो 90 अगर आपको लर्न है जब तो आप इन वैल्यूज के क्वेश्चन जिससे आपको कन्वर्जन होता है कॉस 90 माइनस कंटेक्ट या साइन हो जाए तो हां, ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन प्रूविंग का जरूर आता है। अब वो जो प्रूविंग का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करने के लिए आपको मेहनत चाहिए, वो प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए आप प्रैक्टिस सही कर पाएंगे और उसको भी अभी हम डील करेंगे। यहां करने के बाद 12 मार्क्स का वेटेज ट्रिग्नोमेट्री में, ये और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दोनों इंक्लूड है यहां। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी डायरेक्टली एंगल बेस्ड आता है। एंगल अगर आपको पता है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू पता है, आप जानते हैं कि ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, क्या पूछा जा रहा है, आप अगर उसका फिगर ड्रॉ कर पाते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में तो आप इसको बड़ा इजिली कवर कर पाओगे और 12 मार्क्स आपके। देन एपी,
एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या, एक सीक्वेंस दिया गया है, आपको पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर आपका सेम आता है तो वो सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टेंथ में दो फॉर्मूले, टेंथ में क्या दो ही फॉर्मूले हैं इसमें बेचारे में, दो फॉर्मूले ए एन टर्म जनरल टर्म फाइंड आउट करना है, सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड आउट करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अगेन फॉर्मूला। कुछ एपी के फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको भी कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उनमें से नेक्स्ट आपके अधिकतर आते ही रहते हैं, वही रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आप उनको करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए, अदरवाइज मैं तो कराने ही वाला हूँ जो आप आगे देखेंगे। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये भी फिक्स्ड, ये चैप्टर्स हमारे लिए हुए थे फिक्स्ड फॉर्मूला बेस्ड, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये भी फिक्स्ड फॉर्मूला है, यहाँ पर आपको फिक्स्ड फॉर्मूला लर्न करना है, सेक्शन फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, मिड पॉइंट थ्योरम लर्न कर लीजिए, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, ये तीन फॉर्मूले अगर आपको पता है तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। कैलकुलेशन, अगेन कैलकुलेशन, इन चैप्टर्स में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, कैलकुलेशंस अगर आप सही कर सकते हैं तो ये मार्क्स आप इजीली गेन कर पाओगे, और ये चैप्टर्स नाइन चैप्टर्स करते करते जो आपके मार्क्स थे वो 56 मार्क्स आपके कवर हुए हैं, 80 में से 56 मींस एटलीस्ट 75% के आसपास, इतने मार्क्स आपके स्कोर 75% आप स्कोर कर चुके हैं। अब जो बाकी के बचे 25%, उन 25% के लिए आपको ये पांच चैप्टर्स देखने हैं, ये पांच चैप्टर ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन दोनों चैप्टर्स को मैंने अलग लिखा है इसलिए क्योंकि इन दोनों चैप्टर्स में से ट्रायंगल में से सर्कल में से आपको एक ना एक थ्योरम तो मिलनी ही मिलनी है प्रूफ करने के लिए। थ्योरम स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसी है, ना मैं चेंज कर सकता हूँ, ना आप चेंज कर सकते हैं, ना एग्जामिनर चेंज कर सकता है, आपको करना क्या है थ्योरम का स्टेटमेंट लर्न करना है, कई बार तो स्टेटमेंट भी दिया हुआ होता है, आपको सिर्फ उसको सॉल्व करना है, प्रूफ करना है, थ्योरम की प्रैक्टिस करिए, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो है उनको मैं भी अभी कराऊंगा, आप उनको देखिए, उन वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे करना है, किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, आपको वो चीजें मैं बताऊंगा। अगर आपने ये दो चैप्टर्स भी कवर कर लिए, एटलीस्ट थ्योरम थ्योरम कवर कर ली, तो आप 5-10 मार्क्स के अराउंड कर पाएंगे। 5-10 इसलिए बोला क्योंकि थ्योरम बेस्ड सर्किल में थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं मोस्टली, तो 5-10 मार्क्स, 56 मार्क्स आपके पहले हो चुके थे, 5-10 अगर मैं बिल्कुल ब्लो लेता हूँ, 5 भी लेता हूँ, तब भी आप कहाँ आए, 60 में, 80 मार्क्स में से 60 मार्क्स आपके स्कोर। अब बाकी के बचे तीन चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पॉलीनोमियल्स, इनके लिए प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना, सॉल्व करने का तरीका, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने देखा है, इसको करना है, कैसे करना है, किस तरह से यूज करना है, वो चीजें आपको मैं बताऊंगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको मैंने टफ इसलिए बोला, टफ नहीं, इक्वेशन सॉल्व करना आता है, टफ इसलिए बोला कि यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स मिलती हैं, उन वर्ड प्रॉब्लम में आपको इक्वेशन खुद बनानी है, अगर आपने इक्वेशन गलत करी, इक्वेशन गलत फॉर्म हुई, मीन्स आपका क्वेश्चन गलत, इसलिए मैं इसको टफ केस में रहा, ये प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस सही है इसके लिए। पॉलीनोमियल्स में भी सेम केस है, ये तीनों चैप्टर्स आपके थोड़ा प्रैक्टिस मांगते हैं, और इनकी प्रैक्टिस के लिए हम आगे की वीडियो में बात करेंगे किस तरह से इनको डील करना है, और अगर आप वो सारी वीडियोज आप चाहते हैं तो आप उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पता लगता रहे किस तरह से हम आगे के क्वेश्चंस को डील करेंगे। उन वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस साल आ सकते हैं, और अगर आप इतना प्लान फॉलो करते हैं अभी भी, इन डेज में भी, बचे हुए डेज में भी, तब भी मैं गारंटी देता हूँ कि आप एटलीस्ट 90% मार्क्स लेकर आ पाएंगे बोर्ड एग्जाम।